बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। मंचासी नर्चनीय वंदनीय मुद मंगल में साधु समाज के चरणों में नमन। हमारे सम्माननीय वंदनीय वीरेंद्र बाबा के चरणों में नमन। उपस्थित हमारे सत्संग समिति के समस्त पदाधिकारीगण, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव दुनिया माताओं एवं भक्तिमती, हम लोग परमाराध संत सतगुरु महाराज के असीम अनुकंपा से यहाँ बैठकर सत्संग कर रहे हैं। हम लोग संत मत का सत्संग कर रहे हैं। हमारे सतगुरु महाराज जी ने अपना कोई नवीन मत संप्रदाय नहीं चलाया। प्राचीन काल के जो संत महापुरुष हैं और अर्वाचीन काल के भी जो संत महापुरुष हैं, संत और भगवंत हैं, उन्हीं के कल्याणकारी ज्ञान का हमारे गुरु महाराज जी ने प्रचार प्रसार किया। संत की बातों में भिन्नता नहीं होती, सभी संत एक बात कहते हैं। जे पहुंचे ते कही गए, सबकी एक ही बात। सबे सयाने एक मत, सबकी एक ही जात। जितने संत होते हैं उन सबकी एक पहुंच होती है और उनकी एक ही बात होती है। तो हमारे सतगुरु महाराज जी ने कहा, आप पढ़ेंगे महर्षि मेहि पदावली में, गुरु महाराज उसमें कहते हैं, मैं ही कही जो संतन भाषी, बात नहीं निज की। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि मैं वही बात करता हूं जो सभी संत महापुरुषों ने कही, लेकिन कहने में अंतर क्या है? दूसरे के बात तो कोई भी कह सकते हैं। हम भी कह देते हैं, कबीर साहब ने कहा, गुरु नानक साहब ने कहा, गोस्वामी जी ने कहा, संत सूरदास जी ने कहा, यह बात तो कोई भी कह सकता है। लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि मैं जो भी कहता हूं अपनी बातें नहीं कहता हूं, सभी संत महापुरुषों की बातें कहता हूं, भगवंतों की बातें कहता हूं, लेकिन कहने में फर्क क्या है? हमारे गुरु महाराज कहते हैं, समझा में ही लखा नमूना, बात है सत हित की। मैं कहता हूं संत महापुरुषों की बातें, मैं कहता हूँ भगवंतों की बात है, लेकिन मैं जो कुछ कहता हूँ हमारे गुरु महाराज कहते हैं नमूना को देख करके कहता। संत महापुरुषों की बातों में, उनके ज्ञानों में जो प्राप्तव्य है, जो लक्ष्य है, ईश्वर का स्वरूप है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं उनको मैं देख करके, उनका दर्शन करके, उनको प्राप्त करके तब कहता, मनगढ़ंत बातें नहीं कहता। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जितने सभी संत महापुरुष और भगवंत हैं, सबकी बातें एक है। संत भगवंत में अंतर कुछ भी नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुमसे। जो संत महापुरुष ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं वो ईश्वर ही हो जाते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते थे, जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं और पुजारी प्रसाद बांटते हैं, ऐसे ये सत्संग एक मंदिर के समान है और इस सत्संग रूपी मंदिर में संतवाणी रूपी प्रसादी बटती है। तो ये संत होते हैं कौन? उपनिषद का पाठ आप लोग पढ़ते होंगे, उसमें ऋषि कहते हैं,
ये संत कौन होते हैं? विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परम। ऋषि कहते हैं जिनके